स्वागत आपका एनबीएसई न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। कोटा से किडनैप हुई एमपी की छात्रा के मामले में पुलिस ने बुधवार को बड़ा खुलासा किया है। बता दें कोटा सिटी एसपी अमृता दुहन ने मामले में अभी तक की हुई छानबीन के आधार पर बताया है कि कोटा से छात्रा किडनैप नहीं हुई थी। पुलिस ने दावा किया है कि छात्रा ने खुद अपहरण की साजिश रची। विदेश में पढ़ने के लिए छात्रा ने दोस्तों के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया। एसपी अमृता दुहन ने मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि अभी तक की जांच में अपहरण की बात बनावटी भी साबित हो रही है। जांच में ये भी सामने आया है कि छात्रा और उसका साथी सकुशल है। इस मामले में वायरल हो रही छात्रा की फोटो इंदौर में उसके एक दोस्त के किचन से खींची हुई थी। इस मामले में पुलिस ने छात्रा के एक दोस्त को हिरासत में भी ले लिया है, जिससे पूछताछ के बाद जानकारी सामने आई है। एसपी अमृता दुहन ने बताया है कि छात्रा के इस साथी को कोटा पुलिस ने इंदौर से डिटेन किया है। पूछताछ में छात्रा के साथी ने बताया है कि छात्रा अपने साथी के साथ विदेश जाना चाहती थी, इसीलिए इस पूरी कहानी को उसने बनाया और परिजनों से 30 लाख रुपए की मांग की गई। एसपी ने छात्रा और उसके साथी से अपील की है कि वे जहां भी हैं परिवारजन और पुलिस से संपर्क करें, पुलिस और परिजन उनका सहयोग करेंगे। अमृता दुहन ने जयपुर दुर्गापुर स्टेशन पर सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की। उन्होंने कहा कि हमारी टीम लगातार इस पूरे मामले में जुटी हुई है। छात्रा के अपहरण की बनावटी स्क्रिप्ट छात्र के साथी के रूम की किचन में लिखी गई थी। पुलिस को जो फोटोग्राफ्स मिले हैं जिसमें रस्सी एवं अन्य सामग्री नजर आ रही है और छात्रा के हाथ पैर बंधे हुए हैं। बता दें छात्रा के दोस्त के कमरे के किचन की है। इसकी पुष्टि कोटा पुलिस ने इंदौर पहुंचकर कर ली है। छात्र के दूसरे साथी जिसको पुलिस ने डिटेन किया है वह पुलिस की छानबीन में सहयोग कर रहा है। इस तरह के साक्ष्य मिले हैं जिसमें ये सामने आता है कि बच्ची के साथ कोई भी अपराध नहीं हुआ है, कोई आपराधिक गतिविधि नहीं कारित की गई है, किसी तरह का अपहरण नहीं हुआ। तो जो ये घटना है ये एक तरह से अभी तक हमारे सामने जितने भी साक्ष्य हैं उससे झूठी प्रतीत होती है। किंतु ये बात जरूर है कि वो जैसे पिछली अगस्त को 3 अगस्त को जो बच्ची है अपनी माँ के साथ यहाँ पर आई थी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने को एनरोल कराने के लिए, माताजी उसकी वापस शिवपुरी उसी दिन चली गई थी और वहाँ यहीं पर एक जो हॉस्टल है वहाँ पर वो रुकी थी 3 दिन 3, 4, 5 को। उसके पश्चात वो वापस इंदौर चली गई थी, तभी से वो इंदौर ही है, कोटा में वो बच्ची नहीं रही। जो अभी तक बात सामने आई है ये जो बच्ची है उसके साथ वो दो दोस्त हैं, उनमें से जो एक दोस्त है वो हमें इंदौर में मिल गए हैं और उन्होंने जो अभी तक घटना बताई है वो यही बताई है कि बच्चे जो है मतलब ये जो बच्ची है और उसके साथ जो मित्र है वो दोनों दूसरी विदेश में जाना चाह रहे थे। उनका यहाँ पर उनको लग रहा था पढ़ाई वो नहीं कर पाएंगे, इसके लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए उन्होंने ये अपने माता पिता से पैसे मांगे। इंदौर में कोई ऐसी घटना हुई थी मैडम, कोई रिकॉर्ड है चीज? रिकॉर्ड हमने अभी पता किया था किंतु उस तरह से अभी तक हमारे पास कोई रिकॉर्डेड कोई सूचना हमें नहीं मिली है, लेकिन ये बात FIR में भी लिखवाई है पिता ने कि इंदौर में कोई उसको जैसे परेशान करता था, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हुई है। और वो जो नाम दिए थे FIR में उनका उन लड़कों का इस घटना से कोई लेना देना नहीं। कार्रवाई पुलिस की हुई है तो उससे कितना संतुष्ट है? और दूसरी बात ये कि ये पूरा प्रकरण आपको क्या लगता है किस तरह से? पूर्व में भी बेटी को अपहरण करने गए, हमें धमकी आती रही थी और उन धमकियों के चलते इंदौर में थी उस समय बेटी, तो हमने इंदौर पुलिस को कार्रवाई के लिए बोला था, उन्होंने मारपीट करके उनको छोड़ दिया था और अभी इंदौर शहर के लड़के और इधर के लोगों ने इसका अंजाम दिया इस घटना को। बेटी को मारपीट भी बहुत की है, उसके मुंह से ब्लड आ रहा है और बांध के रखा है मुझे, मैं सजा 30 लाख फरौती मांगी है, 20 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा उसके ना? मैं एक छोटा सा स्कूल संचालक हूँ और बच्चों को पढ़ा रहा था, अब मुझे डायरेक्ट 30 लाख का मैं सजा बच्ची के फोटो आए
तो मैंने तुरंत कोटा एमआईसी मुझे सॉरी एसडीओ भी साहब को अवगत कराया। उन्होंने कोटा एसपी को एसडीओ एडिशनल एसपी को और सबको बोला बाहर एसपी को और एसडीओ पी हमारे एमपी के, तब जाके पुलिस ने कार्रवाई की है। और पुलिस का कहना है कि हमने टीम रवाना कर दी है और ज्यादातर अपन को सफलता हासिल हो जाएगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही, बने रहिए एनडीएसी न्यूज के साथ। नमस्कार।